दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको तमिलनाडु में स्थित भगवान विष्णु के एक चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो लकड़ी से बना होने के बावजूद भी पानी में खराब नहीं होता है। वैसे तो इस दुनिया में कई चमत्कारी मंदिर हैं, जिसके पीछे का रहस्य ना तो आज तक पता चल पाया है, ना ही लोग इसकी गुत्थी सुलझा पाए हैं। बस ये मंदिर अपनी महिमा के लिए दुनिया के कोने कोने में पहचाना जाता है। उसी में एक मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित भगवान विष्णु का लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है, जिसका नाम वरदराज पेरुमल मंदिर है। सन 1053 में चोलों द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला के साथ साथ इसकी सुंदरता देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में आपको 9 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति देखने को मिलेगी। मंदिर परिसर में एक बड़ा सा हॉल भी है, जो 100 खंभों से बना हुआ है। इसे विजयनगर के राजाओं ने बनवाया था। दरअसल एक खास परंपरा के कारण 40 साल तक तालाब में भगवान विष्णु की मूर्ति रखी जाती है। इसके बावजूद भी ये मूर्ति खराब नहीं होती। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। कई मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि ये वही जगह है जहां ब्रह्मा जी यज्ञ करने आए थे। तब भगवान विष्णु की इस मूर्ति की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने ही की थी। पुराणों में कांचीपुरम को हस्तगिरी बताया गया है। दरअसल भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी पर भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा जताई थी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तब उन्होंने तप करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर ही विश्वकर्मा ने अंजीर की लकड़ी से भगवान विष्णु की 9 फीट की मूर्ति बनाई थी। जलवास परंपरा के चलते इसे 40 साल तक मंदिर के ही तालाब में रखा जाता है। कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन इससे मूर्ति को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ही इससे मूर्ति को बचाने के लिए किसी तरह को कोई केमिकल या उपाय किया जाता है। भगवान विष्णु का ये मंदिर 23 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें आपको कई छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।